हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। क्योंकि हम लोग दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें क्या पढ़ रहे हैं तो दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की दोस्तों दो क्लासेस हुई हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों हम लोग बहुत डिटेल से चीज़ें कर रहे हैं और लास्ट में दोस्तों अभी हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज खत्म कर कर आए हैं। आप लोग जो भी दोस्तों नए हैं, जिन्होंने दोस्तों मुझसे अगर ज्योग्राफी या कहीं से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जो बिगनर है दोस्तों, और जिन्होंने पढ़ भी रखी है ना, उनके लिए भी दोस्तों मेरा जो कोर्स है बहुत ही आपको प्रूफफुल होगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ मैंने बहुत डिटेल से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया है, और विद पीडीएफ, मतलब पीडीएफ, बिना पीडीएफ को दोस्तों डायग्राम बनाकर हर चीज़ को मैंने खुद एक्सप्लेन करके आपको बताया, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है मैंने वहाँ पे। तो आप लोग दोस्तों जाके वहाँ पे जरूर देखें। 80 क्लासेस लगभग मैंने इंडियन ज्योग्राफी में कराई है, तो आप सोच सकते हैं मैंने मेंस लेवल तक का आपको आप रिटर्न लिख सकें इतना काबिल बनाने की कोशिश आपको वहाँ पे की है मैंने, बहुत कुछ पढ़ाया वहाँ, ठीक है। और इसी तरह अभी दोस्तों मैं इसी तरह दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में जो मेरे साथ बने हो वो उनको पता ही है दोस्तों, इसी तरह मैं दोस्तों आपको फिजिकल ज्योग्राफी में भी कर दूंगा दोस्तों, कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा आप डील कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने दोस्तों मेरी पहली दूसरी क्लास देखी होगी वो समझ रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से कहाँ ले जाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों फिर से शुरू करते हैं अपना वही नया टॉपिक दोस्तों आज हमारा रहेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में आज हमारा अध्ययन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों पेन कापी पेंसिल लेके बैठ जाइए। जो भी दोस्तों नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अगर कमेंट करना कर देना है दोस्तों, इससे मुझे पता लगे कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छे लग रही नहीं लगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जो भी लोग हैं, जो जैसे फाइनेंशियल कुछ लोग होते हैं दोस्तों, नहीं अच्छा पढ़ना चाहते हैं बट उसको अच्छा नहीं मिल पाता, मतलब उनके पास पैसा उतना नहीं, तो आप उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अपने घर में कोई पढ़ना चाहता है उसको भी दे सकते, आप उनको बताएं दोस्तों, और लोग दोस्तों को बताएं अपना, तो इस तरीके से क्या होगा, लोग बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन होगा दोस्तों, लोग मुझे, मतलब मैं सोचूंगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, मैं अपनी जो ऊर्जा अभी लगा रहा हूँ दोस्तों, उससे डबल ऊर्जा में मैं काम करूँगा, और मैं कर भी रहा हूँ भी दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों हम फिर करते रहेंगे दोस्तों, ये बात की बातें हैं, आप लोग मुझे आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर करेंगे, मुझे इतना बिलीव है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा दोस्तों बस सपोर्ट करते रहें, आप लोग लगे रहें मेरे साथ, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन जो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, हाँ सब सही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये चीज़ें जान, देखो कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि उस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, उसकी क्या ऐसी पृष्ठभूमि रही है दोस्तों कि जिसकी वजह से हमको वो ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसकी बात हम बताते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या है कि अर्थ के, हम लोग दोस्तों क्या है, अर्थ के बाहर दोस्तों बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं, बट अर्थ के अंदर दोस्तों हम इतना कुछ रिसर्च नहीं कर पा रहे जितना दोस्तों हम अर्थ के ऊपर करने में कामयाब हो गए हैं। अभी भी हम लोग स्पेस में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, बट हम लोग दोस्तों अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, हमारा वो दोस्तों हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाए। तो दोस्तों बात यह है कि हम अर्थ का इतना क्यों, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका रीज़न यह है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दोस्तों भूकंप आता है तो दोस्तों क्या होता है, हमें झटके लगते हैं, झटके लगने का मतलब क्या होता है, अर्थ दोस्तों क्या होती, हिलती है ना, मतलब तो यही होता है दोस्तों, अर्थ मतलब क्या होती, हिलती। तो ये जो भूकंप है, ये जो अर्थ जो हिलती है या जो ये वाइब्रेट होता है, तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये कैसे, मतलब ये क्यों हो जाता, तो इसके पीछे का अगर हम लोग रीज़न देखने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दोस्तों अर्थ के अंदर क्या होता है,
कुछ दोस्तों क्या होती है, कुछ गतिविधियां होती है, कुछ हलचल होती है जो दोस्तों क्या होती है, हम अर्थ के ऊपर, हमको अर्थ के ऊपरी वाले पार्ट में महसूस होती है। तो इसलिए भी दोस्तों ये कैसे होती है या इनमें क्या ऐसा होता है या अर्थ के अंदर ऐसा क्या है दोस्तों कि जिसके वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमको इसलिए दोस्तों क्या होता है अर्थ का आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में दोस्तों क्या होता है, ज्वालामुखी में होता क्या है दोस्तों कि अर्थ का जो अंदर का जो कुछ भाग होता है, जो है ना लिक्विड फॉर्म में होता है या जैसे सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो क्या होता है दोस्तों अर्थ में हो, देखो ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों, अर्थ है तो अर्थ की क्या होता है ऊपरी पृष्ठ को तोड़कर दोस्तों क्या होता है कुछ पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। तो ये जो अंदर से जो पदार्थ निकल रहा है वो क्या है, वो किस तरीके से अंदर इंसिस्ट करता है या मतलब दोस्तों कोइंसिस्ट करता है, यानी दोस्तों वहाँ पे कैसे स्थित है या वो कैसे बन रहा है, वो कैसे, ये सारी चीज़ें अगर हमको जानना है तो क्या होगा करना पड़ेगा दोस्तों, हमको अर्थ की आंतरिक संरचना को पढ़ना होगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं दोस्तों इसी तरीके दोस्तों क्या होता है, जो जैसे लावा निकलता है तो लावे के साथ दोस्तों क्या होता है कुछ मिनरल्स आते हैं, तो मिनरल्स दोस्तों क्या होते हैं, हमको मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, तो मिनरल्स लावा निकलता है तो उसके साथ मिनरल्स आते हैं। तो हमको दोस्तों अंदर अर्थ के अंदर अगर हम अपना रिसर्च करते हैं दोस्तों, हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलने की भी संभावना होती है। तो इसलिए भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं अर्थ के आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब समझ गए, एक तो भूकंप बहुत बड़ा रीज़न है, दूसरा दोस्तों क्या है कि हमारे दोस्तों ज्वालामुखी किस तरीके से वहाँ पर मैग्मा जो है, ये पृथ्वी के किस भाग से मैग्मा निकल के आ रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों जब ये हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे पूरे टी शर्ट में दोस्तों दाग भी लग गए हैं, ये सब क्या है मार्कर के दाग हैं, देखो ब्लैक रेड सब हो गए हैं, ये सब मार्कर के हैं। होता क्या है कि मैं करता हूँ तो दोस्तों वो लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, अब दोस्तों क्या है कि हम अर्थ को पढ़ने के लिए दोस्तों क्या है हमारे पास, मतलब अर्थ का अध्ययन करने के लिए हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको स्रोत बोलते हैं हिंदी में। कैसे, कौन कौन से दोस्तों, तो एक तो दोस्तों सोर्स की बात करें दोस्तों, इनके बारे में बस थोड़ा आपको जान लेना, मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अगर डिटेल्स का मतलब होता है क्या कि दोस्तों आप ऑप्शनल जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है जिसका यूपीएससी में, वो सब ये डिटेल पढ़ते हैं। आपके लिए सिर्फ इसकी जानकारी है कि कौन से दोस्तों सोर्स होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के दोस्तों सोर्स दो हैं दोस्तों, इसकी अर्थ की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए दोस्तों दो तरीके के सोर्स होते हैं। दो तरीके कौन कौन से सोर्स होते हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो दोस्तों होता है प्राकृतिक सोर्स, अप्राकृतिक। ठीक है, एक तो प्राकृतिक स्रोत और एक अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक मतलब नेचुरल सोर्स, नेचुरल, और दूसरा एक आर्टिफिशियल। ठीक है, प्राकृतिक सोर्स में दोस्तों कौन कौन से हैं, इन पे अगर हम बात करें तो दोस्तों वही कौन कौन से दोस्तों, वोल्केनो, यानी दोस्तों हिंदी में अगर हम बात करें ज्वालामुखी घटना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों दूसरा भूकंप। ठीक है, हमने बताया ना कि प्राकृतिक कैसे दोस्तों, क्योंकि ज्वालामुखी कैसे एक सोर्स है दोस्तों, इससे क्या होता है, इससे मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलता है तो मैग्मा दोस्तों अर्थ के कहीं ना किसी ना किसी पार्ट से तो निकलता होगा ना, तो इससे दोस्तों क्या होगा अर्थ के किसी ना किसी भाग का अध्ययन हम लोग कर लेंगे। भूकंप में क्या होता है दोस्तों, मैं इसको बता दूं, भूकंप में दोस्तों क्या होता है, तीन तरीके की दोस्तों क्या होती हैं तरंगे चलती हैं, जिनको पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एवं लव वेव, एल वेव्स, है ना। ठीक, यानी दोस्तों प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दोस्तों लव तरंगे। तो ये तीन तरीके की तरंगे निकलती है, और इनका होता क्या दोस्तों, इन तरंगों में एक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि कुछ जैसे कुछ दोस्तों इनमें क्या होता है कि दोस्तों कुछ जो जैसे पी तरंगे है दोस्तों, ठीक है, पी एस एल, तो इनमें ये चीज़ें होती हैं कि दोस्तों ये कुछ जैसे कुछ दोस्तों क्या होती है ठोस में चलती हैं, इनकी गति ठोस में तेज होती है, कुछ की गति क्या होती है दोस्तों द्रव में तेज होती है, कुछ की गति दोस्तों क्या होती है सेमी लिक्विड में, यानी अर्ध ठोस में दोस्तों क्या होती है दोस्तों अर्ध, ठीक है, अर्ध ठोस में दोस्तों क्या होती है ये चलती है। तो दोस्तों इनकी गति दोस्तों अलग अलग स्थिति में दोस्तों अलग अलग अवस्थिति में और अलग अलग में अलग अलग होती है। तो इस वजह से दोस्तों इनका क्या होता है, हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अर्थ में कि कौन सा भाग दोस्तों सॉलिड है, कौन सा सेमी सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है। ठीक है,
प्राकृतिक अप्राकृतिक सोर्स में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, इसमें तीन चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, इनमें तीन सोर्स पढ़ते हैं, इनको बारे में बस मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। पहला दोस्तों क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, घनत्व, ठीक है। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर मतलब दोस्तों क्या होता है, दबाव, है ना, दाब नहीं होता दोस्तों, दबाव। और तीसरा होता है दोस्तों टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो दोस्तों डेंसिटी दोस्तों क्या होता है, देखो क्या होता है, अर्थ की जो डेंसिटी है अलग अलग पार्ट में दोस्तों अलग होती है। जिससे अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या होता है अर्थ को, दोस्तों क्या होता है, तीन पार्ट में हम लोग पढ़ के बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है दोस्तों क्रस्ट मेंटल कोर, इसको दोस्तों बोलते हैं क्रस्ट, इसको दोस्तों बोलते हैं मेंटल, ठीक है दोस्तों, और इसको बोलते हैं दोस्तों कोर, ठीक है। हिंदी में दोस्तों इसको भूपर्पटी, इसको आवरण, और इसको दोस्तों नाभिक या केंद्र, ठीक है। तो क्रस्ट का जो डेंसिटी होती है दोस्तों वो कितनी होती है दोस्तों, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मेंटल की कितनी होती है दोस्तों, मेंटल की होती है दोस्तों 3 से लेकर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अभी मैं फिर से बताऊंगा इनको। और कोर की कितनी होती है दोस्तों, 9 से लेकर 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों क्या होती है, हर मतलब अर्थ की जो तीन पार्ट में हमने डिवीजन किया है उनका अलग अलग डेंसिटी, और अर्थ की जो औसत डेंसिटी होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है। तो दोस्तों क्या है, डेंसिटी है दोस्तों ये, ठीक है। दूसरा दोस्तों प्रेशर, इसमें क्या होता है, तो जैसे जैसे हम लोग दोस्तों अर्थ के नीचे अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे दोस्तों क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों ये बता रहा हूँ कि इनका भी आगे मैं यूज़ करूँगा, और यूज़ करने के और इनसे इस जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। आप उससे ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा नहीं सकता, सब कुछ बताता मैं, बट आपके लिए दोस्तों वो बेनिफिशियर नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं वो इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि डेंसिटी कहाँ कितनी होती है, प्रेशर कैसे बढ़ता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्रेशर जैसे जैसे हम लोग अर्थ में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों, प्रेशर यानी दबाव दोस्तों क्या होता है, बढ़ता जाता है। टेम्परेचर के साथ भी यही होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग दोस्तों अर्थ के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है यानी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये प्राकृतिक स्रोत में है ये, ठीक है। हम लोग दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इनका दोस्तों आपको सिर्फ एक सतही ज्ञान रखना है, आपको इनके बारे में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। पीएचडी करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फिर आपका बंटा ढहर हो जाएगा। मैं आपको चेतावनी दे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग होशियार हैं, बस जैसा मैंने डायग्राम बनाया था आपको वैसे बना लेना था, और जो मैंने बताया है बस उतना आपको जान लेना था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, आंतरिक संरचना। इसमें दोस्तों क्या है, देखो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो दोस्तों इसको हम बांट के पढ़ेंगे केमिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन। दूसरा दोस्तों मैकेनिकल डिवीजन, मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल डिवीजन यानी दोस्तों इसको रासायनिक वर्गीकरण बोलते हैं, रासायनिक वर्गीकरण, और दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में बांट के हम पढ़ेंगे। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, पूरी अर्थ को दोस्तों क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा दोस्तों, केमिकल डिवीजन। दूसरा दोस्तों क्या है, मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है। केमिकल डिवीजन में दोस्तों क्या करेंगे हम, इसको इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे,
तीन चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी दोस्तों? केमिकल डिवीज़न में हम कैसे इसका डिवीज़न करते हैं, तो इसको हम लोग तीन पार्ट में देखते हैं कौन कौन सा दोस्तों। तो पहला है दोस्तों इसको क्रस्ट, जिसको दोस्तों हिंदी में दोस्तों बोलते भू चटपटी, यानी भू चटपटी नहीं दोस्तों परपटी, भू चटपटी भू परपटी, ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है मेंटल, मेंटल दोस्तों इसको आवरण बोलते हैं हिंदी में, अगर हिंदी ये याद ना हो तो मेंटल को मेंटल लिख दीजिए हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोर, कोर को दोस्तों नाभिक भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें किसके हैं दोस्तों? केमिकल आधार पर दोस्तों इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। मैकेनिकल आधार पर दोस्तों इसको हम लोग चार पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, कौन कौन से दोस्तों? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब दोस्तों स्थल मंडल, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर मतलब दोस्तों दुर्बल मंडल, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर का मतलब दोस्तों क्या होता है? सम देखो मध्य मंडल, ठीक है, मेसो मतलब दोस्तों मध्य मंडल, और दोस्तों इसको बैरोस्फीयर, बैरोस्फीयर भी बोलते हैं दोस्तों, बैरोस्फीयर भी बोलते हैं, जो भी आप लिखना है बैरोस्फीयर है ना, बैरोस्फीयर भी बोलते हैं दोस्तों, बैरोस्फीयर, ठीक है। तो ये चार पार्ट में इसको हम लोग बांट के, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थल मंडल हिंदी में, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल हिंदी में, इसको दोस्तों मध्य मंडल बोलते हैं, और ये बैरो का बैरो ही लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चार इसको दो पार्ट में ऐसे बांट के पढ़ेंगे। तो हम पहले दोस्तों पढ़ते हैं इसका, पहले हम दोस्तों इसका केमिकल डिवीज़न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसका मैकेनिकल डिवीज़न, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, ये बहुत ही दोस्तों क्या है, कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक है, बट मैं इसको आपको सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बस इस तरीके, जिस तरीके मैं बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, उस तरीके से आप डायग्राम बना के चलते चलें, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको फैक्ट तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। इसको फटाक से करें आप लोग, बनाएं, साथ साथ भी लिखते चलेंगे ना, तो आपका बेनिफिट फिट होगा दोस्तों इससे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे इसका, केमिकल डिवीजन। तो दोस्तों अब हम लोग टॉपिक डालना आपको पृथ्वी का रासायनिक वर्गीकरण है ना, मैंने लिखा था रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल डिवीजन ऑफ अर्थ है ना, इंग्लिश होगा केमिकल डिवीजन ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, देखो दोस्तों थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी भी दोस्तों बहुत गोल नहीं आ रहा ना, चलो इसको देखते हैं अभी थोड़ा गोल तो हूँ। हाँ कुछ हद तक दोस्तों ये क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है, कुछ हद तक दोस्तों क्या हुआ, ये सही है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, अर्थ, अर्थ को मैंने दोस्तों क्या किया, हम लोगों ने इसको तीन पार्ट में बांट के पढ़ा है, तीन पार्ट में बांटा है, कौन कौन से तीन पार्ट हैं दोस्तों? ये हो गया क्रस्ट, ये दोस्तों ये वाला, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं दोस्तों क्रस्ट, क्रस्ट मतलब दोस्तों भूपरपटी, भूपरपटी या भू चटपटी, और फिर इसको दोस्तों दूसरा वाला दोस्तों क्या है, मेंटल, मेंटल मतलब दोस्तों क्या है, आवरण, इसके बाद दोस्तों क्या है, कोर,
ओर का मतलब दोस्तों क्या है हिंदी में? नाभिक। ये दोस्तों होता है अर्थ को केमिकल डिवीजन यानी रासायनिक आधार पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। ठीक है, मैं यहां आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की जो रेडियस, रेडियस मतलब दोस्तों ये देखो, अर्थ की जो रेडियस होती है वो दोस्तों लगभग कितनी होती है दोस्तों? लगभग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लगभग होती है दोस्तों 64,6,100 किलोमीटर। लगभग दोस्तों 6,400 किलोमीटर, मतलब दोस्तों हम अर्थ दोस्तों क्या होता है इसके 6,400, अगर एग्जैक्ट दोस्तों आप बुक में देखेंगे तो लिखा होता है 6,371 किलोमीटर, बट आपको उतना साइंटिफिक बनने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आप लगभग 6,400 किलोमीटर इसकी रेडियस होती, आपको इतना बस याद रखना है अर्थ की रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसमें दोस्तों होता क्या है दोस्तों? देखो ये जो क्रस्ट है ना दोस्तों, इसकी जो ये जो क्रस्ट है, बात अगर हम करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ये सॉलिड फॉर्म में होता है दोस्तों। कैसे? जैसे अर्थ का जो ऊपरी परत है जिसपे हम लोग दोस्तों खड़े हैं, वो कैसा है दोस्तों? वो सॉलिड है ना दोस्तों, मतलब हम जिसपे खड़े हैं वो ठोस है। यानी दोस्तों क्या है, अर्थ का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और उस पर दोस्तों हम लोग खड़े रहते हैं, तो यानी इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों क्या है, सॉलिड है। क्या है दोस्तों? सॉलिड। तो क्रस्ट कैसी होती है दोस्तों, इसकी भौतिक अवस्था कैसी है दोस्तों? तो ये सॉलिड है। ठीक है, और फिर इसका दोस्तों डेंसिटी दोस्तों अगर हम बात करें, तो डेंसिटी मैंने बताई आपको कितनी है दोस्तों इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दोस्तों अगर हम बात करें तो कितनी है दोस्तों? मैंने बताया आपको 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी इतनी है। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जो क्रस्ट होती है ना दोस्तों, वो क्रस्ट दोस्तों, क्रस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों? जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ क्रस्ट दोस्तों क्या होती है। क्रस्ट में भी दोस्तों आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये मान लो पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, यहां पे दोस्तों क्या है, पानी भरा है। भाई जैसे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग रहते हैं जहां पे, तो उससे दूर पर देखो देखो कुछ नदी होगा, या तो कोई दोस्तों क्या होगा, तालाब होगा, या कोई दोस्तों होगा समुद्र होगा। तो इसमें दोस्तों इसी तरह दोस्तों क्या होता है, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, और यहां पे दोस्तों क्या बना है, तुम्हारा घर बना है। यहां पे दोस्तों क्या है, घर बना है। ठीक है, ये घर बना है। तो दोस्तों यहां पे घर बना है, और घर वाली क्रस्ट जो है क्या दोस्तों, वो दोस्तों क्या है, मोटी है। घर वाली क्रस्ट जो है क्या दोस्तों, मोटी है, और समुद्र में जो पानी है, ओशियन वाली क्रस्ट दोस्तों आपको दिख रही होगी क्या है, पतली है। तो इसकी जो, तो क्या होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, क्रस्ट को दोस्तों, क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट का मतलब दोस्तों होता है, इसमें दो तरह की क्रस्ट होती है, शामिल होती है। एक तो दोस्तों इसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशियनिक क्रस्ट, दूसरी ओशियनिक क्रस्ट। दोस्तों इसकी जो मोटाई है ना दोस्तों, वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास होती है, और इसकी जो मोटाई वो 305 किलोमीटर के आसपास होती है। तो आप चीज एक चीज बताओ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया दोस्तों कि ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट में दोस्तों क्या होगा, एक तो समुद्र वाला भी क्रस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अर्थ ऐसा तो है नहीं, जैसे हम लोग क्या है, अर्थ पे दोस्तों क्या है, अर्थ पे दोस्तों एक भाग पे पानी है कुछ भाग पे, और कुछ भाग पे दोस्तों क्या है, लैंड है। तो लैंड वाला ऐसा तो नहीं कि अर्थ के जो समुद्र है दोस्तों, समुद्र के नीचे ऐसा तो है नहीं कि सतह नहीं होगी, वो सतह है। तो वो वाली क्रस्ट जो है उसको भी क्रस्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जिसपे हम खड़े हैं वो तो क्रस्ट होती है। तो क्रस्ट दोस्तों क्या होती है, दो तरीके की होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। और हमने बताया दोस्तों जिसपे घर है वो वाली क्रस्ट दोस्तों क्या है, मोटी है, और जो ये वाली जो पानी है जिसमें, वो वाली पतली है। तो घर के बाहर यानी घर घर वाली दोस्तों क्या है, मोटी है, और दोस्तों घर बाहर वाली दोस्तों क्या है, पतली है ना, मतलब क्या बीवी नहीं दोस्तों, क्रस्ट है ना, क्रस्ट दोस्तों क्या है, ये मोटी है। तो दोस्तों क्या होगा, घर वाली को तोड़ना दोस्तों आसान नहीं होगा, बाहर वाली को दोस्तों तोड़ना आसान होगा। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों जब देखते होंगे दोस्तों कि भारत में क्या, पूरे विश्व में दोस्तों
लगभग 60 से 70% जो भूकंप या ज्वालामुखी जो आते हैं वो दोस्तों समुद्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कि बाहर वाली दोस्तों क्या है, पतली है। क्या पतली? बाहर वाली क्रस्ट पतली, समझ गए ना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने की जरूरत है। बाहर वाली क्रस्ट जो है क्या है, वो पतली होती है, तो इसी वजह से दोस्तों इसको तोड़ना आसान होता है ज्वालामुखी को। इसलिए दोस्तों भारत पूरे विश्व के लगभग 60 से 70% जो ज्वालामुखी या भूकंप होते हैं वो दोस्तों क्या होता है, इसी वाले भाग में आते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्रस्ट दोस्तों क्या होती है, दो तरीके होती है, तो मैंने इसका एक ही बताया ये, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है साथ साथ में। ओ सॉलिड मैंने क्यों डाल दिया, ये क्या होती है दोस्तों, सॉलिड होती है क्रस्ट दोस्तों, क्या होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, ये बता दिया मैंने। फिर अब हम बात करते हैं मेंटल। मेंटल दोस्तों क्या होती है, ये दोस्तों मेंटल जो है इसका जो अगर स्टेट बताएं ये किस अवस्था में होती है, तो ये दोस्तों सेमी सॉलिड होती है। कैसी होती है दोस्तों, सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस होती है, अर्ध ठोस है ना, अर्ध ठोस। और दोस्तों इसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी है दोस्तों, तो इसकी डेंसिटी दोस्तों की अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है दोस्तों, 3 से लेकर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है। इसी तरह दोस्तों कोर कैसा होता है दोस्तों, कोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोर दोस्तों होता है सॉलिड। कोर कैसा होता है दोस्तों, सॉलिड कैसा होता है दोस्तों, सॉलिड। और इसकी डेंसिटी दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, इसकी डेंसिटी दोस्तों कितनी होती है, नौ से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी इतनी डेंसिटी होती है, ठीक है। अगर हम इनकी थिकनेस की बात करें दोस्तों, तो इसकी थिकनेस दोस्तों क्या होती है दोस्तों, लगभग 65 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और इसकी थिकनेस दोस्तों कितनी होती है, लगभग 2900 किलोमीटर तक, मतलब ये दोस्तों 2900 किलोमीटर तक, और इसके बाद ये 6400 किलोमीटर तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद नहीं रखना, बट आपको ऐसे याद ऐसे बना लेना है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर करके ऐसे कर दे रहा हूँ। ये जो होती है ये लगभग 0 से लेकर 65 किलोमीटर तक होती है दोस्तों, कितनी दोस्तों, 65 किलोमीटर तक। ये दोस्तों क्या होती है, ये वाली जो, ये दोस्तों लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास तक होती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दोस्तों कितना होता है, लगभग 6400, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोस्तों आपको याद रखना, इतना कुछ आपको समझ में आया, पृथ्वी का रासायनिक वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। क्रस्ट दोस्तों क्या होती है, सॉलिड होती है, और इसकी डेंसिटी कितनी है दोस्तों, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ तो और आपको याद रखना, इसका जो केमिकल जो इसमें होता, क्योंकि केमिकल हम लोग पढ़ना है, केमिकल दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों इसमें सियाल, सियाल होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, मैं अब इसको क्या करूं, मैं फिर अभी दोस्तों मैं, और मेंटल में दोस्तों क्या होता है, मेंटल में दोस्तों क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो सीमा, सीमा, और इसका नाभिक का जो वो होता है, इसका दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको नीफे, ठीक है दोस्तों। सीमा, सियाल चाची, सीमा दीदी और नीफे चाचा, ठीक है। सियाल का मतलब दोस्तों होता है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम। भूपर्पटी में क्या पाया जाता है दोस्तों, सियाल पाया जाता है, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसीलिए दोस्तों इसको सियाल भी बोलते हैं। और इसमें दोस्तों मेंटल में दोस्तों क्या पाया जाता है, मेंटल में दोस्तों कौन सा मिनरल होता है दोस्तों, उसमें सीमा होता है, सीमा दीदी यानी सियाल, और दोस्तों सिलिका और दोस्तों मैग्नीशियम। और दोस्तों कोर में क्या होता है दोस्तों, निफे चाचा यानी आयरन, सॉरी दोस्तों निकिल एवं आयरन, ठीक है दोस्तों, निकिल एवं आयरन यानी निकिल और लोहा, ठीक है। तो इनमें दोस्तों अलग अलग मैंने बता दिया दोस्तों, किसमें क्या पाया जाता है, किसकी डेंसिटी क्या है और कौन किस अवस्था में है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोग पहले इसको बना लें जिस तरीके से मैंने बनाया है, फिर इसके बाद मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ अभी, फिर इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बना के बताता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक। तो फटाफट फटाफट करिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियरली समझाई हैं आपको। इसका दोस्तों केमिकल, क्योंकि रासायनिक पढ़ना है ना, तो केमिकल तो पता होना चाहिए, नहीं कौन कौन से, तो उसमें सियाल और भूपर मतलब क्रस्ट में दोस्तों सियाल होता है, मेंटल में सीमा होता है, और दोस्तों कोर में दोस्तों निफे है ना, सीमा
चाची, सॉरी सियाल, चाची, सीमा, दीदी और नीचे चाचा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आप याद करा हूं, तो आप भी दोस्तों याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया होगा, चलिए मैं इसको आपको और बताता हूँ। आप दोस्तों इसकी मैं आपको चार्ट बनवा देता हूँ, देखो बड़े आराम से याद हो जाएगा। अभी देखो बस 2 मिनट लगेगा, तो ये केमिकल डिवीज़न आपका ख़त्म हो जाएगा। देखो चार्ट बनाना है दोस्तों आपको मेरे साथ में, यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या कर दिया, क्रस्ट रख दिया, यहाँ पे मैंने दोस्तों मेंटल रख दिया, यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको कोर बता दिया, ठीक है। ठीक, ये 3 चीज़ हो गई। यहाँ पे मैंने इसकी अवस्था मतलब स्टेट क्या थी, यानी वो किस अवस्था में थे, है ना, ये बता दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। फिर दोस्तों मैंने उसकी डेंसिटी डिवीज़न कर दिया, और फिर केमिकल केमिकल कंपोजिशन यानी कंपोजिशन, ओ जी शन क्या होगा दोस्तों, केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपोजिशन, सी ओ एम पी ओ एस आई टी आई ओ एन, केमिकल कंपोजिशन। दोस्तों क्रस्ट किस अवस्था में होती है दोस्तों, तो मैंने बताया दोस्तों आपको सॉलिड, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और केमिकल कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों, इसमें मैंने बताया सी आल, सी आल मतलब दोस्तों क्या होता है, तो मैं एस मतलब एस आई मतलब दोस्तों सिलिका, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है दोस्तों। मैं इधर बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, एस आई मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सिलिका, सिलिका इधर बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप उधर लिख लीजिएगा सिलिका, ऐसे लिख लो रहा हिंदी में, ठीक है, इधर मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। और ए एल मतलब दोस्तों एल्यूमिनियम, एल मी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एलू एल्यूमिनियम, अरे यार जगह ही कम पड़ जा रही, रुक जाओ एक सेकंड, ए एल मतलब दोस्तों होता है एल्यूमिनियम, 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 ठीक है। और दोस्तों फिर एस आई इधर, अब इधर देखो दोस्तों, तो सियाल, सिलिका और दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये क्या होते हैं दोस्तों, सेमी सॉलिड, सेमी, इसकी अवस्था कैसी है दोस्तों, सेमी सॉलिड। और इसकी डेंसिटी कितनी दोस्तों, 3 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दोस्तों इसका जो केमिकल कंपोजिशन कौन सा होता है दोस्तों, सीमा दीदी, ठीक है। तो इसमें सी एस आई से दोस्तों सिलिका हो जाएगा, और एम से दोस्तों क्या है, एम ए से दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोर में क्या, कोर कैसा होता है दोस्तों, सॉलिड, ठीक। इसका डेंसिटी कितना है दोस्तों, 9 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों केमिकल कंपोजिशन निफे, निफे चाचा, ठीक है दोस्तों, निफे चाचा मतलब एन आई मतलब दोस्तों क्या होता है, निकिल, निकिल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एफ ई मतलब दोस्तों क्या होता है, आयरन मतलब दोस्तों लोहा, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपोजिशन है इनका अलग अलग, मैंने एक ही चार्ट में दोस्तों वहां पर डायग्राम से बताया था, यहां चार्ट से बता दिया। अब आपको जो सही लगे दोस्तों आप उसको उस तरीके से याद कर सकते हैं, हालांकि उस तरीके से पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, आप चीज़ें को बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों है हमारी आज की क्लास। अब हम लोग दोस्तों क्या है,
कि दोस्तों जो मैकेनिकल डिवीज़न है वो थोड़ा लंबा भी है और उसमें कुछ और चीज़ें मुझे बतानी है, और अगर उसको करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग दोस्तों इसको याद रखें कि दोस्तों हम लोग यहीं तक आज करेंगे, इसके आगे का कल करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिए और अच्छे से दोस्तों कॉपी में इसी तरह बना लीजिए, और एक दो बार आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग ने कर लिया होगा। तो फिर दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट करके भी बताएं दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगेगा कि लोग मुझे देख नहीं रहे, तो मुझे भी थोड़ा है ना डिमोटिवेशन होने लगेगा। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस खाली वीडियो को शेयर कर दिया करिए और रेगुलर दोस्तों वीडियो को देखा करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करा करें दोस्तों, वीडियो को कमेंट करके बताया करें कैसा है वीडियो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम लोग कल फिर इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और जमकर पढ़िए दोस्तों। जय हिंद, बाय दोस्तों।